नयनपुर नाम के एक गांव में सुरेश अपनी बेटी के साथ रहता था। सुरेश मोची का काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा चलाया करता था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, रास्ते में पैर फिसलने की वजह से सुरेश गिर गया और गिरने की वजह से उसका एक पैर टूट गया। वो घर पहुंचा और अपनी बेटी को आवाज देकर कहा, बेटी नैना कहाँ हो तुम, मेरी मदद करो। नैना अपने पिता की आवाज सुनकर भागते हुए आती है और उन्हें इस हाल में देखकर रो पड़ती है और कहती है, पिताजी आपको इतनी चोट कैसे लग गई? सुरेश रास्ते में घटी सारी घटना नैना को बता देता है। ये सब सुनकर नैना सोचती है, अब घर कैसे चलेगा, घर में इतना सा ही सामान है,